हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार चौहान। आज हमारा IoT का 4th लेक्चर है। अभी तक हमने IoT में उसकी इंट्रोडक्शंस के बारे में जान रहे हैं कि IoT होता क्या है, IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT सबने जाना। आज हम जानेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, बेसिकली जो IoT में यूज होते हैं। ठीक, आप इसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा स्कोप प्रोटोकॉल। ठीक, जिसका मीन क्या है, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये कैसा प्रोटोकॉल है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम छोटे एरिया के लिए करते हैं। ठीक, या मैं कहूँ कि इस जिस भी IoT डिवाइस में हम इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसे डिज़ाइन ही किया ऐसे जाता है कि हम उसे छोटे एरिया में यूज कर सकें। ठीक, ये एक रेस्टफुल आर्किटेक्चर पर होता है, लो पावर कंजप्शन पे होता है। ठीक, और ख़ास तौर पे ये UDP बेस्ड होता है। UDP बेस्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोटोकॉल, ठीक, जिसका इस्तेमाल हम फास्ट डेटा ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। ठीक, एक टॉपिक है हमारा IT टूल्स में जो कि नेटवर्किंग है, और नेटवर्किंग में दो टॉपिक आते हैं आपके, एक है OSI मॉडल और एक होता है TCP/IP मॉडल, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई लेयर बाई लेयर कि डेटा ट्रांसमिट करते वक्त क्या क्या चीज़ें होती हैं, या कि कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। जहाँ पे एक लेयर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, उस ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं आपके, एक होता है TCP/IP और एक होता है आपका TCP प्रोटोकॉल होता है और एक होता है UDP। ठीक है, तो UDP प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल दोनों ही फास्ट डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो TCP प्रोटोकॉल होता है वो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। सिक्योर कहने का मीन क्या है कि अगर हम डेटा को उस प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बाय चांस अगर डेटा मेरा लॉस भी होता है या डेटा हमारा मिस हो जाता है, तो तुरंत हमें मैसेज फील्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक, या वो प्रोटोकॉल हमें बता देता है कि ये मैसेज अभी सेंड नहीं हुआ है। लेकिन UDP में ऐसा नहीं होता। अगर डेटा लॉस हो गया, ठीक है, या जैसे आपने डेटा भेजा है और डेटा वो सही तरीके से नहीं गया, तो आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा, ना ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, और ना ही आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जिसकी वजह से आप ये समझ सको कि ये जो डेटा है ये मेरा सेंड नहीं हुआ है या मेरा लॉस हो गया है। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम करते कहाँ है कोप प्रोटोकॉल का, तो इसका इस्तेमाल होता है आपका स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे HTTP और HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम IT टूल्स की क्लासेस ले रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी क्लियर किया था। फिर मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो HTTP, ठीक है, ये नॉन सिक्योर है और ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक, नॉन सिक्योर, सिक्योर कहने का मीन क्या है, अगर हम बात करते हैं HTTP प्रोटोकॉल की, ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई डेटा मैं जैसे इंटरनेट के माध्यम से ट्रैवल करा रहा हूँ, तो ये प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, मतलब सिंपल, एकदम सिंपल जाएगा। ठीक है, और सिंपल होने की वजह से कोई भी मिडिल मैन, या मैं कहूँ मिडिल डिवाइस, इसे आराम से रीड कर सकता है, जो कि सिक्योर नहीं है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल के अंडर किसी पर्टिकुलर पर्सन से कॉन्टैक्ट कर रखा है मैंने बाय इंटरनेट या बाय एप्लीकेशन, तो कोई पर्सन मेरे मैसेजेस को रीड करे बीच में बैठ के, ये हम नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन HTTPS में क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा भेजा किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे डिवाइस में, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा आपने भेजा है ये इनक्रिप्ट होके जाता है। ठीक, इनक्रिप्ट होके जाता है, कहने का मीन क्या हो गया, अनरीडेबल फॉर्मेट पे जाता है। ठीक, मतलब कोड की लैंग्वेज में, तो कोई भी से बीच में अगर बाय चांस अगर मिडिल मैन पर्सन बीच में बैठा भी है, मिडिल डिवाइस कोई अगर बीच में है भी, तो उसे वो रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो HTTPS इसलिए बड़ा सिक्योर होता है। और आज के टाइम पे जितनी भी वेबसाइट्स जो आज के टाइम पर रन हो रही हैं, वो सब आपकी HTTPS प्रोटोकॉल पर रन होती हैं। ठीक, और बाय चांस अगर कोई वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही है, वो HTTP प्रोटोकॉल पे फॉलो चल रहा है, तो आज के टाइम की जो ब्राउजर्स हैं, जैसे आपका क्रोम ब्राउजर है, वो आपको तुरंत अलर्ट कर देता है, तुरंत आपको बता देता है कि ये जो वेबसाइट है सिक्योर नहीं है, बहुत रिस्की है।
तो अगर आप इस वेबसाइट पर जाना चाहते हो या इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो तो अपने रिस्क में करिए। ओके, फिर हम बात करते हैं वेब कम्युनिकेशंस की। अब वेब कम्युनिकेशन क्या है, तो वेब कम्युनिकेशन के लिए वाइडली यूज करने किया जाता है। वेब कम्युनिकेशन मतलब वही वेबसाइट्स आपकी जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपको जो कह रहा है, ये कह रहा है स्टेटफुल और स्टेटलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब स्टेटफुल स्टेटलेस कम्युनिकेशंस क्या है, ठीक है। कुछ वर्क जो मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को दिया रखा है, जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो मैंने उसमें बताया भी था कि बच्चा ये आपका एक होमवर्क है, ठीक। क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, IoT अपने में ही बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक। तो मेरे पढ़ाने से तो आप पढ़ने से रहें, ये एक बात तो बिल्कुल फिक्स है, तो पढ़ें कैसे भाई, किससे किससे। तो मैं उन्हें एक होमवर्क दे देता हूँ कि ये आपका काम है, आप इस काम को करके लाइएगा, ठीक है। करके लाने की मीन क्या है, जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो, रिसर्च करते हो, ठीक, उस चीज़ पर आप रिसर्च करोगे तो फिर वो चीज़ पर पढ़ोगे, ओके। तो ये मैं काम आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक, कि आप करके लाइएगा, ढूंढ के लाइएगा कि स्टेटफुल या स्टेटलेस होते क्या है, ओके। बाकी मैं जरूर इस चीज़ को क्लियर करूँगा, ये मैं सोचेगा मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ को जरूर क्लियर करूँगा। फिर हम बात करते हैं HTTPS का यूज करके हम सिक्योर रहा जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा सिक्योर क्यों रह सकते हैं हम HTTPS से, ठीक है, क्योंकि वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक। यूज केसेस का है, हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसे वेब बेस्ड IoT एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं और हम क्लाउड बेस्ड IoT सर्विसेज में भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं DDS मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ठीक है। अब हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस क्या है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक रियल टाइम डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल के लिए यूज़ किया जाता है और रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम कहने का मीन क्या हो गया कि जैसे कि मैं मेरा सिस्टम है उसमें जो डेटा जनरेट हो रहा है या उसमें जो डेटा आ रहा है वो रियल टाइम डेटा आ रहा है, ठीक है। तो रियल टाइम की रिक्वायरमेंट्स वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए सुटेबल है, ठीक है। मतलब DDS जो हमारा है, जो सर्विस है हमारा बेसिकली तौर पर, इसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज किया जाता है जिसमें डेटा रियल टाइम में कंटिन्यूसली आता जा रहा है, ठीक। इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसका, इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम में करते हैं, ओके। फिर अब हम यहाँ से समझेंगे कि IoT सिस्टम में हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक। जैसे हमारा हेडिंग है कि IoT सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है IoT सिस्टम कि ये कंपोनेंट्स एक IoT सिस्टम में होने चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करें डिवाइस की हम बात करते हैं, तो डिवाइस कहने का मीन क्या हो गया कि एक IoT डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन, रिमोट सेंसिंग और रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए परमिशन देता है, ठीक है। डिवाइस कहने का मीन क्या गया, जैसे आपका फ़ोन एक डिवाइस है जो बेसिकली आपको परमिशन देता है कि भाई आप उसका यूज कर सकें, उसमें रहे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप उसे यूज़ कर सकें। तो जो IoT डिवाइस होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, रिमोट सेंसिंग करने के लिए या रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, ठीक है। रिसोर्सेज कहने का मीन क्या है कि IoT डिवाइस पर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए, ठीक, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए तीन चीज़ दे रखा आपको। एक है आपका एसेसिंग एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग सेंसर इंफॉर्मेशन, ठीक। फिर है डिवाइस से कनेक्टेड एक्चुएटर को कंट्रोल करना, ठीक, डिवाइस के लिए नेटवर्क एक्सेस इनेबल करना, ये हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कहने का मीन क्या है कि अगर हम IoT डिवाइस में इस टाइप का सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करें जिसकी वजह से हमारा जो यूजर है वो इन चीज़ों को एक्सेस कर सके, मतलब अगर आपने कोई चीज़ प्रोग्राम दे रखे हैं या किसी टाइप का आपने फंक्शन देखा उसे एक्सेस करना, डेटा को प्रोसेस कराना, ठीक है, सेंसर द्वारा डेटा को स्टोर करना, ठीक। अगर बाई चांस आपने कोई ऐसा डिवाइस बना रखा है जो एक्चुएटर से रिलेटेड है तो उस एक्चुएटर से कनेक्ट होकर उसे कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर अगर आपने कोई ऐसा डिवाइस बना रखा है जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, बाय नेटवर्क वो वर्किंग करता है, तो उस डिवाइस को नेटवर्क एक्सेस इनेबल करना या उस डिवाइस का नेटवर्क एक्सेस इनेबल करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है IoT डिवाइस में। वही अगर हम बात करें कंट्रोलर सर्विस की, अब कंट्रोलर सर्विस हम नाम से समझ सकते हैं कि कंट्रोलर सर्विस क्या हो गया, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया सर्विस, ठीक है। तो कंट्रोलर सर्विस क्या है, कंट्रोलर सर्विस एक बेसिक सर्विस है
जो डिवाइस पर चलती है, कॉमन सी बात है, और वेब सर्विस के साथ इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, वेब सर्विस के साथ वो लिंक्ड रहती है, ठीक है। यह डिवाइस से डेटा को वेब सर्विस पर सेंड करता है, मतलब आपका जो डिवाइस है वो डेटा को क्या करेगा, वेब सर्विस पर सेंड करेगा। और क्या करेगा, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन से कमांड रिसीव करता है। अब एप्लीकेशन कमांड ये वेब सर्विस से रिसीव करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन से कमांड कहने का मीन क्या है, जैसे आपका स्मार्ट एसी, ठीक है, मान लीजिए आपका स्मार्ट एसी, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दे रखा है और ये बहुत ही सूटेबल एग्जांपल भी है इसके लिए, कि आपका एसी जो लगा है भाई आपके घर में, आपके रूम में लगा हुआ है, आप अपने ऑफिस से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि घर जब तक मैं पहुंचूं तो मेरा जो रूम है वो ठंडा हो जाए, तो आपने अपने अपना फ़ोन निकाला, आपका डिवाइस हो गया, और उस पर्टिकुलर जो आपका एसी है उसका एप्लीकेशन आपको खोलना पड़ा हुआ है। आपने उस एप्लीकेशन खोला और खोलते ही आपने एसी ऑन का कमांड दे दिया, ठीक। तो जो कंट्रोलर सर्विस है जो उस डिवाइस को दिया गया है बाय अ वेब सर्विस के इंटरैक्ट के माध्यम से, तो क्या होगा, वेब सर्विस के थ्रू वो आपका एसी चालू हो जाएगा और जब तक आप घर आएंगे तब तक वो एसी आपके रूम को ठंडा कर देगा, ओके। फिर हम बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस जो हमारा होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि डेटाबेस बेसिकली तौर पर हमें दो टाइप का रहता है, एक होता है हमारा लोकल और एक होता है हमारा क्लाउड, दो टाइप में होता है, ठीक है। और IoT द्वारा जनरेट डेटा को ये स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी कॉमन सी बात है भाई, क्योंकि डेटाबेस कहने का मतलब हो गया डेटाबेस, डेटा का वो बेस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब नॉट ओनली स्टोर, हम डेटा को वहाँ पे प्रोसेसिंग करने का भी काम करते हैं, एनालिसिस करने का भी काम करते हैं, ठीक है। वेब सर्विसेज, ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब सर्विस की। जैसे हमारा जो पीछे ही आया था वेब सर्विस, वेब सर्विस कहने का मीन क्या हो गया कि वेब सर्विस का, देखो मैं वेब सर्विस का काम बहुत सिंपल सा होता है, ये करेगा क्या कि IoT डिवाइस, एप्लीकेशन, डेटाबेस और एनालिस्ट कंपोनेंट के बीच में एक लिंक के तौर पे काम करना। लिंक के तौर कहने काम का मतलब क्या हो गया कि वेब सर्विस का काम क्या है, जैसे मैं IoT डिवाइस को अपने एप्लीकेशन के साथ वर्क कराना चाहता हूं, तो वेब सर्विस क्या करेगा, एप्लीकेशन को मेरे IoT डिवाइस से लिंक करेगा, ठीक, या मैं कहूँ मेरे डिवाइस में डाउनलोड करके रखेगा, ठीक है। और लिंक करने के बाद जब मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, अब जो भी डेटा मेरा है जो स्टोर हो रहा है, तो या तो मैं लोकल करूं या फिर मैं उसे क्लाउड में करूं। बाय चांस जैसे मैं क्लाउड में करना चाहता हूं, तो यहां पे वेब सर्विस मेरी डेटाबेस जो मेरा क्लाउड डेटाबेस है उससे मुझे लिंक कर देगा, ठीक। फिर अगर मुझे उस डेटा को एनालिस करना होगा, तो अब मुझे डेटाबेस पे जाना है। जब मैं उस डेटाबेस पे जाऊंगा और डेटाबेस पे जो मेरा डेटा रखा है उससे कनेक्ट होने के लिए वेब सर्विस मेरी मदद करेगा, ओके। इससे HTTP और REST प्रिंसिपल का उपयोग करके या वेब सॉकेट सर्विस का उपयोग करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसे जो लिंक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, या मैं कहूँ जो IoT डिवाइसेस, एप्लीकेशन, डेटाबेस, एनालिस कंपोनेंट के बीच में जो हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं वर्क के लिए, ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं HTTP का इस्तेमाल कर सकते हैं, REST प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा बेसिकली REST सर्विस होता है, ठीक, वेब सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा बेसिकली वेब सॉकेट सर्विस होता है, ओके। फिर हमारा एनालिस कंपोनेंट, ठीक, एनालिस हमें अच्छे जानते हैं कि जो डेटा होता है हमें उसे एनालिस करना होता है और उसके भी आप पे हमें जो रिजल्ट आता है वो चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं सीधे सीधे ऊपर की ही बात करता हूँ कि एनालिस कंपोनेंट IoT डेटा का एनालिस करने और ऐसे रूप में डेटा जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो, ठीक। सीधी सी बात है, एनालिस कंपोनेंट मतलब डेटा को एनालिस करने के लिए यूज किया जाने वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डेटा है और आप चाहते हो कि उस कॉम्प्लेक्स डेटा को आप बहुत ही ईजिली तरीके से समझ सकें, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एनालिस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या एनालिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो एनालिस कंपोनेंट IoT डिवाइस में किस तरीके से काम करता है कि जो भी डेटा मेरे पास है उसे ईजिली तरीके से समझने के लिए उसे एनालिस वो करेगा, ओके। फिर हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमने पहले भी पीछे डिस्कस किया है और मैंने आपसे कहा भी था कि एप्लीकेशन एक कैसा होता है, एक इंटरफेस के तौर पे होता है, ठीक है। इंटरफेस कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फेस जो बेसिकली तौर पे किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते वक्त हम देखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि इंटरफेस जितना यूजर फ्रेंडली होगा, जितना सिंपल होगा यूज करना, उतना ही यूजर उसे अच्छे से यूज कर सकता है, ठीक है। और अगर उससे इंटरफेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो यूजर को उसे यूज करने में दिक्कत मिलेगी, तो वो उतने अच्छे से उसे यूज नहीं कर पाएगा, ओके।
जैसे यूजर अब इसमें जैसे अगला पॉइंट कह रहा है कि IoT सिस्टम के वेरियस साइट को कंट्रोल या मॉनिटर करना एप्लीकेशन का काम है, ठीक है। और क्या करता है, एप्लीकेशन यूजर को सिस्टम स्टेटस और प्रोसेस डेटा देखने की भी परमिशन देता है। मतलब आपको जैसे देखना हो कि आपके सिस्टम का क्या स्टेटस है, दिन भर में क्या कितना डेटा आया, कितना डेटा एनालिस हुआ, प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये आपको दिखा देगा। प्रोसेस डेटा जो भी हुआ है वो आपको दिखाएगा, ओके। अब हमारा यहाँ से IoT लेवल से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में IoT लेवल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि IoT लेवल्स बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हम आज के टाइम पे जो IT डिवाइसेस देख रहे हैं वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। या मैं कहूँ उससे जो डेवलप्ड करा गया है एप्लीकेशन को, जो डेवलप करा गया है IoT लेवल को, ठीक है, वो किस किस के बिहाफ पे करा गया है, ठीक। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, और ये हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी भी है, ठीक। अच्छा, तो थैंक यू सो मच हमसे अभी तक जुड़े होने के लिए। अभी तक जिसने भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक ज़रूर करिएगा, आप हमारे वीडियो को कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी भी टाइम की कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपको कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक। थैंक यू।